نحمده ونصلي نسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الروف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال تعالى في مقام اخر وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال تعالى في مقام آخر: "ما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة". وقال تعالى في مقام آخر: "وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه". ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى في مقام آخر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم मज्ज़ ख़वातन हज़रा तलबा वालिबात सामियात और नाजरन व नाजरात अल्लाह रब्ज़त का शुक्र है जिसकी तोफ़ी से हमने अकायद सहीहा के मौजू पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक सिलसिला गुफ्तु शुरू की है इस सिलसिला गुफ्तु का मकसद ये है कि हम अकायद के बाब में सही और सकीम का इम्तियाज कर सकें दुरुस्त और गलत में तफरीक कर सकें और इस हवाले से हम इब्तदाई तौर पर क़ुर सुन्नत से हासिल होने वाली उस मेथोडोलॉजी पर गुफ्तु करेंगे और उस मेथोडोलॉजी को असेस करेंगे क़ुरान और हदीस की रोशनी में जिसके ज़रिए हम मकसूद को पा सकें और सही और ग़लत में वज़ फ़र्क़ कायम कर सकें इस बाब में मैंने पिछली नशस्त में बाज़ से नबवी को बयान किया था उनमें मुतफ़ भी थी यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत की गई अदीस और सिहासिता में सोना ने अब दाऊद और सोना ने तिरमजी और सोना ने नसाई और दीगर कुतुब सिहा से भी अहादी से सहिया को मैंने रिवायत किया जिससे एक नुक़ा एस्टैबलिश किया था कि हज़ूर सलाम ने फ़रमाया कि जो अहवाल बनी इसराइल पर बीते थे यानी यहूद और नसारा की उम्मतों पर पहले ज़मानों में वही अहवाल अकायद और आमाल और अखलाक व अहवाल के बाब में मेरी उम्मत पर भी बीतेंगे और आकल इस्लाम ने जूते का जो, जो जोड़ा होता है दाएं और बाएं जूता उसकी मिसाल देकर फरमाया कि अन सिमिलर सिचुएशंस अराइज़ होंगी और उस ज़िम्मन में ये इर्शाद फरमाया जो कसरत के साथ अहदी से सहिया में कसरत के साथ आया है कि बन इसराइल में बहत्तर फ़िरके बन गए थे और आपने शायद फरमाया कि मेरी उम्मत में तिहत्तर फिरके वजूद में आएंगे इमर्ज करेंगे और वो जो तिहत्तर फिरके होंगे उनमें से बहत्तर बातिल की तरफ ले जाने वाले होंगे लोगों को दोजख की तरफ बुलाने वाले होंगे गुमराह करने वाले होंगे और एक तबका मिलत जो मेरे और मेरे सहाबा की राह पर गामजन होगा और जब लफ्ज़ सहाबा इस्लाम यूज़ करते हैं तो उसमें अहलैत अतहार आटोमेटिकली शामिल होते हैं यानी जब याद रख लें जब बैत का लफ्ज आए ये ज़िमनी एक नुक्ता समझा दू अहलैत का लफ्ज आए तो वो तमाम सहाबा को शामिल नहीं होता चूंकि तमाम सहाबा कराम साफ जाहिर है अहलैत नबोत में से नहीं है ये खसूस और अमूम का ताल्लुक है इनमें तो अहल बैत के लफ्ज तो में सारे सहाबा शामिल नहीं होते मगर जब सिहबा का लफ्ज आए तो तमाम अहलबैत उसमें शामिल होते हैं क्योंकि अहलबैत इतहार का इतलाक़ इस्लाम ने जिन नफु क़ुदसिया पर किया है वो सहाबा कराम भी हैं अजवाज मतारात सह हैं सबियात हैं सैद नाम मौला अलीतजा सहाबी हैं सद कायन हज़रत फ़ातमत ज़हरा रदी अल्लाह तह हैं हज़रत हसनैन करीमैन रिजवान माँ सिहाबी हैं तो जिनको हजूल सलाम तो ने फरमाया कि बारी तला ये मेरी अहल बैत है तो ये सहा भी हैं इन्हें आकल इस्लाम की सोहबत हासिल है तो जब लफ्ज़ सिहबा आ गया माँ अना वह तो उसमें अहल बैत अतार सारे शामिल हो गए ये एक कॉमप्रीहसिव टर्म है लेकिन जब किसी मामले में अहल बैत का लफ्ज इस्लाम की ज़ुबान अकदर से शादर होगा और उसमें जो फजीलत जो शान या तख़सीस बयान की गई होगी वो तमाम सिहाबा को हासिल नहीं होगी वो सिर्फ उनही नफूस कुदसिया के लिए होगी जिन पर इस्लाम ने लफ्ज़ अहल बैत का इतलाक फरमाया है ये एक नुकता था जो बरसबीले तजकर आ गया तो फरमाया सिर्फ़ वो तबका वो जमात और बाद में इसकी तफसील आएगी जिसे हज़ू सलाम ने सवाद आज़म करार दिया कि मेरी उम्म का अक्सरियती तबका है अक्सरियती ग्रो है माने अलही है व साबी वो मेरे रास्ते पर और मेरे जमी सिहबा कराम के रास्ते पर गामजन होंगे वो हक़ पर होंगे तो गा तिहत्तर फिरकों का वजूद में आना इसका भी बयान किया और इसको भी तमसील इसकी दी बनी इसराइल के बहत्तर फिरकों के साथ सो यहां पर मैंने गुफ्तु खत्म की थी कि जब इतने फिरक इतने मसालिक फिक्र इतने, इतने गरोह इतने फिक्री इल्मी और एहतिकादी तबकात वजूद में आ जाएंगे और हर कोई वही बोली बोल रहा होगा इसे भी मैंने हदीस पाक से बयान किया था बुखारी और मुस्लिम की मुतफ़ल है हदीस कि हमारी ही बोली बोल रहा होगा यानी हर कोई कुरान और सुन्नत की बात करेगा दीन की बात करेगा शरीयत का नाम लेगा और कुरान और सुन्नत का हवाला देगा और अपनी दलील भी कुरान और सुन्नत से ले रहा होगा तो यहां पर एक सवाल पैदा हुआ कि फिर कैसे पता चलेगा कि यह शख्स जो कुरान और सुन्नत के हवाले से बात कर रहा है यह बात दुरुस्त है या इस दूसरे शख्स की बात दुरुस्त है जो कुरान और सुन्नत के हवाले से कह रहा है किताब सुन्नत की इस शख्स की ताबीर और तशरी सही है और दूसरे की गलत है या इस शख्स की ताबीर और तशरी दुरुस्त है और इसकी ग़लत है अगर इसका इमतियाज़ एक आम शख्स अज खुद कर सके किसी वाज रहनुमाई के बगैर साम जो जो टी वी पर सुनते हैं जो खुतब जुम्मे को मसाजिद में बैठ के सुनते हैं जो आमत सोसाइटी में गुफगु सुनने वाले खिताब सुनने वाले अहिल इलम का कलाम सुनने वाले दर्स सुनने वाले टीवी पर इंटरनेट पर वेबसाइट पर ऑनलाइन तालीम तदरीस तबलीग के ज़राए हैं लोगों ने हलकत कायम कर रखे हैं कोर्सेज़ कायम हैं तो अगर आम मत एक आम शख्स बग़ैर वाज रहनुमाई के वो अगर इम्तियाज़ करने के काबिल हो जाए कि इसकी दलील सही है और इसकी ग़लत है तो उसे तो फिर जाके पूछने वालों से जिनसे पूछा जा रहा है उनसे जाके पूछने की ज़रूरत भी पेश ना आए अगर उसे खुद पता चल जाता कि इसकी दलील गलत है और इसकी दलील सही है इसका माखज़ दुरुस्त है इसका माखज़ गलत है इसका इस्तेमात इनफर करना इस हुक्म को इस मसले को इस फरा को निकालना दुरुस्त है इसका गलत है इसका इतलाक करना इस सिचुएशन पर इस कुरानी आयत और हदीस का ये गलत इतलाक कर रहा है ये दुरुस्त कर रहा है अगर उसे ये खुद समझ आ जाए तो वो पूछने क्यों जाता लिहाजा जरूरी हुआ कि ऐसी सिचुएशन में जिसकी निशानदेही सलाम ने की और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं एक मेथडोलॉजी होनी चाहिए और याद रख लें कि यह इख्तलाफा और गुमराही पर मबनी ख्याल और गुमराही पर मबनी ताबीरत और तशरीहत ये कुरान और सुन्नत के बाहर से इम्पोर्ट नहीं किए जाते ये अगला स्टेप ले रहा हूं गुफ्तगु का यह दीन के दायरे से बाहर से इम्पोर्ट नहीं किए जाते आमतौर पर जो शख्स भी कोई नुकता है नजर कोई नजरिया कोई ताबीर कोई तशरी अपने मौकफ अपने अकीदे और अपने नजरिए की तकवीयत के लिए उसको सबस्टेंशिएट करने के लिए उसे इलेबोरेट करने के लिए उसे स्ट्रेंगन करने के लिए मजबूत करने के लिए जो शख्स भी कोई दलील लाता है तो वो भाई कुरान और सुन्नत और किताब और कुरान और हदीस में से ही लाता है उसी इल्म से लाता है जो किताब सुन्नत पर बेसिकली मबनी है अगर वो किताब उस सुन्नत का हवाला न दे और उससे वो इलम अपना न लाए अपनी दलील अखज़ न करे तो सुनने वाले तो सुनते ही उसे मुस्तरद कर देंगे कि इसके पास पास तो किताब उस सुन्नत की दलील ही नहीं है उसका तो सौदा ही नहीं बिकेगा मार्केट में तो वो जो अपने अकीदे अपने फ़िक्र अपने नज़रिए का सौदा बेच रहा है उसके सौदे के बेचने के लिए और व्यापार खरीदार पैदा करने के लिए उसके लिए लाजिम है कि वो अपनी दलील को कुरान और सुन्नत के साथ को रिलेट करे कुरान और हदीस से वो अखज करे इस वजह से हर शख्स बात कुरान और हदीस की कर रहा है तो सवाल यह है कि गलती कहां वाकई हुई गुमराही किस नुकते से शुरू हुई वो नुकता न कुरान की नस में गुमराही का था गलती का था माज अदीस नबवी में कोई गलती थी उस नस में उस टेक्स्ट में भी वो तो मुनजल मिनल्ला थे कुरान भी वही है अल्लाह की वही मतलू जो लफजन और मानन नाजिल हुई और हदीस नबवी भी अल्लाह की वही है अल्लाह ताला की वही है वाह गैर मतलू जो बजरिया जब्रैल अमीन नाजिल नहीं हुई लफजन मगर उसका माना और उसका पैगाम आकाल इस्लाम के कलब अथर रूह मुबारक पर इखा हुआ है और आकाल इस्लाम ने उसे अपने अल्फाज़ में बयान किया है या अपने अमल की शक्ल में डेमोस्ट्रेट किया है तो सुन्नत और हदीस की शरी ऐसी भी वही की सी है इसलिए वही में फ़र्क करते हैं वो वही, वो वही जिसकी तिलावत की जाए वो कुरान है वो वही जिसकी कुरान की तरह तिलावत नहीं की जाती वो हदीस है हदीस है नब भी है तो दोनों की असल एक है तो वो नुकता वो जगह वो मुकाम कौन सा था जहां से बंदा ठोकर खा गया गलती हो गई गुमराही शुरू हो गई और फिर के बनने लगे साफजार है न कुरान पर इख्तलाफ है पूरी उम्मत आज पंद्रह सदियाँ होने को है एक कुरान को मानती है दूसरा कुरान कोई नहीं मानता कोई तबका अलहम से वन्नास तक कुरान मजीद में आयात पर भी किसी का अख्तलाफ नहीं है वही एक सौ चौदह सूरतें हैं हर एक के नजदीक और वही आयात हैं तो इस पर इख्तलाफ नहीं है टेक्स्ट पर अख्तलाफ नहीं है अहदीस नबवी पर बेसिकली इख्तलाफ नहीं है इल्ला ये कि सेहत और अदम सेहत ये एक बहसें होती हैं ये एक अलग मौजू है इस पर हम आगे चल के इनशाला गुफ्तु करेंगे जो चीजें मैं इब्तदा में जिसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा उसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे सब्जेक्ट के साथ रेलिवेंट है तो मैं इसे आगे चल के टेकअप करूंगा इस पर आगे गुफ्तगु करूँगा। तो मैं अगली गुफ्तगु के लिए छोड़ रहा होता हूं तो बात यह है कि असलन इस पर इजमा है कि ना कुरान में कोई गलत बात बयान की गई है न कभी हो सकती है ना हदीस नबवी में कोई बात गलत बयान की गई है ना कभी हो सकती है ये दोनों हक हैं तो फिर वो इस सवाल मेरा कि फिर वो गलती वो गुमराही जिससे अलग अलग फिरके बने वो कहां से ओरिजिनेट हुई वो हमारी उस ताबीर और तशरी से जो हमने कुरान की आयत को इंटरप्रेट किया हदीस नबवी की तशरी की उसका माना बयान किया उसका मुराद बयान किया उसको अप्लाई किया मुख्तलिफ सिचुएशन पर उसका इंतबाक किया उसका इतलाक किया उसमें से आगे अहकाम अखज किए जहां इंसान की अकल इंसान की रीजनिंग इंसान का इंटेलेक्ट, इंसान की अपनी सलाहियत इंसान की राय उसका अपना इल्म जहां वो मिलता है जाकर तशरी करने के लिए उसको एक्सप्लेन करने में उसे इंटरप्रेट करने में वहां से उस गलती का इम्कान शुरू हो जाता है तो इल्म तो हक पर मबनी आया था उम्मत में मगर साफ जाहिर है उस इल्म के यानी कुरान और सुन्नत के उस टेक्स्ट में हर बारीक चीज और हर छोटी छोटी तफसील और हर किस्म की तशरी और ताबीर नहीं बयान की गई होती उसमें बेसिक्स होते हैं फिर आप उसे इंटरप्रेट करते हैं आप देख लें जैसे हमारे यहाँ आइन होता है लॉ की किताबें होती हैं और उनको मुख्तल वोकला इंटरप्रेट करते हैं उसकी तशरी और ताबीर करते हैं तो बास चीज़ें कुरान मजीद कहता है कि मुहकमात में होती बास चीज़ें कि उनको मज़ीद इंटरप्रटेशन की ज़रूरत नहीं होती बाद महकमात होती हैं आयात और बाज आयात कुरानी मजीद खुद कहता है मुतशाबहत होती है मुतशाबहत का माना यह है कि उस एक आयत में मुख्तल एक से जायद मुख्तलफ मानी का एहतमाल होता है इश्तबाह पैदा होते हैं कि यह माना है दूसरा कहता है नहीं ये माना है यह हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है कई एहतमालत होते हैं कई इश्तबाहमिलर मानी एक दूसरे से उसमें से अखज हो सकते हैं उस इजबा की वजह से उन आयात को मुतशाबात कहते हैं अब ये मैं आपको वो पॉइंट समझा रहा हूँ कि कहाँ से इस गलती का गुमराही का या गलत एतक़ादी का आगाज होता है यह सूर आल इमरान है इसकी आयत नंबर सात है मैंने हवाला तो दे दिया अपनी गुफ्तु में मगर आयत करीमा सुन लीजिए फरमाया शाद फरमायाउन शहीजीमल किताब वही है अल्लाह रब की तुम पर किताब नाजिल फरमाई अब मैं इसको एनालाइज़ कर रहा हूँ. तो आपने देखा किताब नाजिल फरमाई यहाँ तक इख्तलाफ उम्मत को नहीं और ये किताब का नाजिल होना कुरान का वजूद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إِسْكَ كِتَابِ کتاب الہی مِنْ میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین تو یہ بناء اختلاف یا بناء گمراہی بناء دلالت نہیں ہو سکتی حق ہے اس کے بعد فرمایا منه آیات इस कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुहकम हैं आयात मुहकमात हैं अब मुहकम आयात का माना यह है कि ये आयात अपने जाहरी अल्फाज और मानी में भी क्लियर हैं अपनी जाहरी अल्फाज में भी क्लियर हैं और वाजे हैं और अपने माना में भी क्लियर और वाजे हैं इनमें दो मानी का इज्तवा नहीं होता जाहिरन भी बात भी लफजन भी मानन भी क्लियर हैं तो फरमाया अल्लाह फरमायाबुलजत ने खुद के कुरानी मजीद में कुछ आयात मिन हो ऐसी है जो हैं जो महकमत हैं जिनमें जाहरी लफ्जी भी और मानवी भी क्लैरिटी इतनी है कि एम्बिग्विटी पैदा होने का भी इम्कान नहीं रहता शुभ पैदा नहीं होता इश्तबा नहीं है और फरमाया वह ओ खारो मुतशा और इसी तरह और ये जो आयात हैं हुन्ना उम्मुल किताब पहली जो मुहकमात थी फरमाया ये किताब की बुनियाद हैं यानी जो असासी याद हैं अकायद भी असासी अकायद भी असासी अहकाम भी आसासी मसाले भी आसासी अखलाक भी असासी, असासी, असासी तालीमत भी जितने फंडामेंटल्स हैं फंडामेंटल्स कुरान मजीद की तालीमात में जो फंडामेंटल्स हैं उनकी बुनियाद इन आयात मकाम पर है और वह ओखारो मुतशा और फरमाया इसी तरह दूसरी किस्म और आयतों की भी है और वो मुतशाबिहात हैं अब देख लीजिए ये आपने और हमने नहीं पैदा की सिचुएशन ये अल्लाह रब्जत ने कुरानी मजीद को नाजिल इस तरह किया और मुतशबहत का मतलब ये है कि अल्फाज तो उनके बड़े क्लियर हैं अल्फाज में तो कोई दूसरी गुंजाइश नहीं होती ना मगर उनके अल्फाज के मानी में कई एहतमालत कई प्रॉबेबिलिटीज हैं कई पॉसिबिलिटीज हैं और कई इश्तबा हैं उनके कई मानी आपस में मिलते जुलते हैं सिमिलर हैं जिससे बंदे को मुगालता लायक हो सकता है कि इसका यह माना है दूसरा कह सकता है कि यह इस, इसका इतलाक इस पर है इसका इस्तेमाल यह भी है इसका यह भी पॉसिबिलिटी है तो उसके अंदर प्रॉबिबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज का बहुत सारा स्पेस है बहुत सारी रूम है बहुत सारी गुंजाइश और फिर इशात फरमाया इसमें अल्लाह रब्बुल इज़त की सिफात से मुतलिक बहुत सी आयात हैं और बहुत से आकाम हैं आगे तो इशात फरमाया फम लजीनफी क्रूब हिम जई गैय तब ऊन अमा तशाबहन हो सो जिन लोगों के दिलों में कजी है अब ये एक आयत कहाँ से फिरके पैदा होते हैं किस तरह पैदा होते हैं कैसे गुमराइयाँ जन्म लेती हैं इस आयत करीमा के अंदर एक एक लफ्ज जो जो आगे बढ़ते जा रहे हैं वो फाउंडेशन दे रही है यह आयत समझा रहा है यह कुरान इस आयत करीमा के जरिए कि किस तरह तफर्रक पैदा हो सकता है सुबुल एक की बजाय कई रास्ते पैदा हो सकते हैं है। फर फरमाया जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है कजी है अब यहां से यह भी पता चल गया मैंने कहा कि जहां तक कुरान का टेक्स्ट था वहां तक कोई वजह और सबब गुमराही का नहीं था और जहां तक हदीस नबवी भी है चूंकि मैंने अर्ज किया कि वह भी वही इलाही है गैर मतलू तो उसके टैक्स में भी कोई गुमराही का सबब नहीं हो सकता कुरान मजीद ही की तरह चूंकि उसको उसकी हकानियत पर भी कुरान मजीद ही की हिफाजत है की वही की और खुद अल्लाहिजत की हिफाजत है और अल्लाह के नबी की नबुवत और और खतम नबुवत की हिफाजत है तो जहाँ से बिगनिंग होती है गुमराही की गलती की गलत फहमी की वो ये है कि जिन लोगों के दिलों में कजी है टेढ़ है, यहाँ से पता चला अब बरह रे कॉन्सेंट्रेट करते हुए इस आयत के इस टुकड़े से पता चला कि लोगों की दो किस्में होंगी अमल लजीन फीलूब हिमजई ग कुछ लोग वो होंगे जिनके दिलों में कजी होगी टेढ़ापन होगा यानी उनके दिलों में गुमराही होगी उनके दिलों में अंधेरा होगा उनके दिल जंग आलूद होंगे उनके दिलों में सफाई नहीं होगी रोशनी नहीं होगी तहारत नहीं होगी नूर नहीं होगा सफाई नहीं होगी और कुछ लोग वो होंगे जिनके दिलों में अंधेरा होगा जंग होगा टेढ़ होगा कजी होगी तो दो तबकात हो गए ना अब आप समझ गए किस तरह फिर के जन्म लेते हैं तो लामो जिनके दिलों में नूर होगा रोशनी होगी सफाई होगी तहारत होगी तकवा होगा सिदक होगा इखलास होगा जिनके नूर में जिनके दिलों में नूर होगा वो कुरान और हदीस नबी वसल्लम के उस माना तक रसाई पाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल की मुराद है जो उसका असल माना और हकीकी मुराद वो उनको रहनुमाई मिलेगी और जिनके दिलों में टेढ़ होगा कजी होगी गुमराही होगी जंग होगा सियाही होगी तहारत नहीं होगी वो जहां जहां मुख्तलिफ एहतमाल मिलेंगे वो गलत एहतमाल की तरफ उनके दिल रागिब हो जाएंगे और उनके दिमाग गलत इश्तबाह में मुबतला होंगे रॉन्ग मीनिंग्स की तरफ चले जाएंगे, रॉन्ग इम्प्लिकेशनस की तरफ चले जाएंगे, रॉन्ग एप्लीकेशनस की तरफ चले जाएंगे, रॉन्ग इंटरप्रटेशन की तरफ चले जाएंगे, गलत ताबीर की तरफ गलत तश्रियात की तरफ वो दिल मुआफ़त पकड़ेंगे गलती की तरफ गुमराही की तरफ चूँकि दिल के अंदर जंग है सयाही है सो so, वो गुमराही की तरफ रगबत पाएंगे इसलिए कुरान मजीद ही में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह तो इज़्ज़त कुरानी मजीद में मिसालें देते हैं फैद मिसालें दे दे के समझाते हैं अब अल्लाह पाक मिसालें दे दे के इसलिए समझाता है ये मिसालें देना अल्लाह की मजबूरी नहीं है अल्लाह के कलाम की मजबूरी नहीं है ये हमारी मजबूरी है हमारी कमजोरी है हमारी कम फहमी हमारी कज फहमी है हमें जो बात आम तरीके से समझ आने में दुश्वारी होती है अल्लाह रब हमारे लिए समझने में आसानी पैदा करने की खातिर मिसालें दे देता अल्लाह नूरवा नूर ही कमिश्का मिसबा इस तरह बेशुमार अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है अब अब यह किसी की समझ में नहीं आएगी बात कि आसमानों और जमीनों का नूर, नूर अल्लाह है कैसे है कोई मुमकिन है समझ ले दिन की रोशनी को समझ ले कि यह अल्लाह है यह पढ़कर कि अल्लाह आसमान जमीनों और आसमानों का नूर है अल्लाह नूर समावात वर्द आसमानों और जमीन का नूर है बस रोशनी है अब इससे एहतमाल में मिसाल समझा रहा हूँ अप्लाई करके कि कैसे गुमराही का एहतमाल जन्म लेता है जब नूर और रोशनी कह दिया तो मुमकिन है जब सूरज चढ़े और धूप नजर आए रोशनी नजर आए कोई समझे ये खुदा है अल्लाह गुमराही हो गई कुफर की तरफ चल पड़े मुमकिन है कोई समझे सूरज नजर आ रहा है कि इस नूर का चश्मा यह है मम्बा यह है नूर यहां से निकल रहा है आसमानों का जो जमीन पर आ रहा है तो कोई कह दे सूरज को यह खुदा है यहां से गुमराह ने जन्म ले लिया किसी ने चौदवी रात के चांद को देखा या चांद की रोशनी से रात को रोशन होते देखा तो उसके जेन में वही था कि अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है उसने कहा यह रोशनी है वो मम्बा है उस चांद को सितारों को खुदा बना लिया और आपने देखा पहले जमानों में सूरज परस्त लोग हुए चांद परस्त हुए सितारा परस्त हुए तो गुमराहियां जब जन्म लेती हैं तो उसके पीछे कोई एक तस्वुर कोई एक बेसिस कोई एक रीजन कोई एक फाउंडेशन होती है और वो उसकी समझने में गलती खाता है इंसान ठोकर खाता है उसके समझने में मार खाता है और गुमराह होता चला जाता है तो ये इस तरह तो अल्लाह रबिजत ने फौरी तौर तो पर उसकी मिसाल दे दी आसमानों और जमीनों को नूर मुहैया करने वाला अब इसकी ताबीर कुरान ने मिसाल दे दी तो मना यह था कि रोशन करने वाला है नूर है यह लफ्ज था माना था कि मुनवर करने वाला है रोशन करने वाला है आसमानों और जमीनों को नूर अता करने वाला है मिसाल दे दी नूर ही कमिश्का इनफिया मिसबाग पर पूरी आयत है उस तफसील में नहीं जाते तो मैं समझा ये रहा था कि मिसालों का रेलीवेंस क्या होता है मिसाल देने की जरूरत क्यों होती है वह हमारी जरूरत है हमारे लिए आसानी पैदा होती अब यह बयान करके अल्लाह बुल्जत ने फरमाया वह युद्ध बेही कसीरम व यह दी बेही तो कुरान में मिसालें तो अल्लाह ने इसलिए दी थी कि हमें आसानी से समझ आए मगर इन्हीं मिसालों की वजह से क्या होता है बहुत से लोग हैं जिनको यह मिसालें गुमराह कर रही जो इन्हीं मिसालों को पढ़ के गुमराह हो गए जिन्होंने उसके फकत जाहरी माना को ले लिया और उसकी तय में न गए उसकी हकीकी इतलाक पर न गए ये कौन लोग थे जिनके दिलों में टेढ़ था कजी थी जंग था अंधेरा था जाहरी लफ्ज ले लिए जाहरी माना लिया गुमराह हो गए तो कुरान पढ़ के गुमराह हुए ये खुद कुरान बता रहा है कुरान पढ़ के कुरान के जरिए से वो लोग खुद गुमराह हो गए क्यों क्योंकि उनके मन में कजी थी जंग था टेढ़ था दिल में वह यह कसीरा और बहुत से लोग इसी कुरान से कुरान को पढ़कर हिदायत भी पाते तो ये कभी ख्याल ना करें कि माजल्ला कुरान गुमराह करने वाला है नहीं कुरान तो भाई एक शफाफ पानी की बारिश की तरह जो बारिश आसमान से उतरती है मूसलाधार बारिश होती है साफ और शफाफ पानी होता है तो कुरान अल्लाह के नूर का अल्लाह के फैज का अल्लाह की तरफ से इलम हक का हिदायत का कि एक बारिश होती मगर वो बारिश अगर साफ सुथरी जमीन पे पड़ती है जिसके अंदर पहले से मेहनत करके किसी ने हल चलाया होता है बीज बोया होता है खाद वगैरह दी होती है या बाद में देता है जिस पर मेहनत हुई होती है यानी उस जमीन का सीना उस जमीन का से दिल साफ किया गया होता है कजी से गंद से गलाजत से पाक किया गया होता है तो उस पर बारिश जब गिरती है तो उसमें से सब्जी उगती है घास उगता है फल फूल उगते हैं बागात उगते हैं चमन बन जाते हैं वही बारिश ऐसी जमीनों पर उगती है जहां जमीन में गलाजत है लोगों ने गलाजत के ढेर बना रखे हैं उस जमीन के अंदर गलाजत है उस पर भी वही बारिश पड़ती है तो वहां से तफन जन्म लेता है बीमारियां जन्म लेती हैं बदबू फैलती है अतराफ में तो बोलिए बारिश का तो कोई कसूर नहीं बारिश तो अल्लाह का फैज था बारिश तो अल्लाह का करम था खराबी या अच्छाई उस जमीन के सीने की थी जिस ज़मीन का सीना साफ था उसने उस फैज़ को ले लिया और खुशबू बन गई और हरियाली बन गई और बागात बन गए जिस ज़मीन के सीने में गंदगी थी गलाजत थी उससे बीमारियों ने जन्म लिया ताफ़ों ने जन्म लिया और हर तरह बदबू फैल गई बिल्कुल कुरान मजीद की आयात भी बारिश की मानंद इंसान के कल बरू पर उतरती है और इन आयात करीमा के अंदर जो मुहकाम और मुतशा दोनों आयतें हैं अल्लाह की दोनों अल्लाह का कलाम है उनके अंदर फजुज़ात रब्बानिया उतरते हैं अनवार इलाहिया उतरते हैं हिदायत पर मबनी तालीमत उतरती हैं खैर उतरती है नफ़ा उतरता है रोशनी उतरती है बारिश की तरह फैद उतरता है मगर हमारे दिल की हम में से बाज़ों के दिल की ज़मीन साफ सुथरी होती है सो वो हिदायत पा जाते हैं और बाजों के दिल की जमीन गलाजत और गंदगी से भरी होती है वो गुमराह हो जाते हैं वहां से गुमराही का ताफुन जन्म लेता है अब आप बड़ी आसानी से समझ गए कि किस तरह बाज लोग कहते हैं जी क्या करें वो भी कुरान पढ़ रहा है ये भी कुरान पढ़ रहा है वो भी हदीस की बात करता है ये भी हदीस की बात करता है किसकी माने भाई सब जमीन पर वही बारिश उतरती है सुथरी जमीन की तरफ जाओ जहां बागात बनेंगे उसी बारिश के नतीजे में आप गंदी ताफन वाली जमीन की तरफ नहीं जाते जहां से बीमारियों ने जन्म लेना है सो दिलों और सीनों की जमीनों में भी फर्क है फिर वो जमीन सुथरी कैसे होती है दिल की और दिल की जमीन गलाजत भरी कैसे बनती है उसकी रहनुमाई भी कुरान सन्नत ने अल्लाह और उसके रसूल ने कर दी है उस राह पर चलना है इसलिए हुजूर हजूर अल सलाम के जब फ़रायज़ नबुवत का बयान आया है कुरान मजीद में तो इर्शाद होता है यतलू अनय कुम आयातिन व यु जक्की कुम वकुमिताबल वयुअल मालम तक उसमें इर्शाद होता है कि तुम्हारे ऊपर हमारी आयतें तिलावत करते और थपारे कुलूब का नुफूस का कल्ब बातिन का तजगिया करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला अपनी निगाह करामत से अपनी सोहबत के फेज से अपनी के फेज से अपनी तरबीयत के फेज से तजगिया करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ योर इनर सेल्फ प्योरीफिकेशन ऑफ योर माइंड प्योरीफिकेशन ऑफ योर हार्ट प्योरीफिकेशन ऑफ योर सोल्स युजकी कुम चार मरतबाइ आयत आई बाकी जगहों पर युजक की हिम या तुम अलम आई आते ही वह युजक की हिम चार मरतबाइ आयत आई है यह पूरा फिनोमिना बयान हुआ है पूरी प्रायोरिटीज बयान हुई हैं पूरा एक मैथोडोलॉजी बयान हुई है दिल का नफ्स का कल्ब बातिन का सीने का तज किया करते हैं तुम्हारे मन के अंदर जो मैल कुचैल है जो कजी का बायस बनती है टेढ़ापन पैदा करती है बुग्जो इनात पैदा करती है गंदगी और खलासत पैदा करती है जो मन और कल्ब और बातिन में अंधेरा पैदा करती है जिससे गुमराही जन्म लेगी तो कुरान पढ़ के भी तुम गुमराह होते चले जाओगे क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग की जमीन और कुरान के नूर का आपस में जोड़ नहीं बन सका तुम्हारे दिल कुरान के नूर को रिसीव करने के काबिल नहीं बन सके तुम्हारे दिलो दिमाग उनमें इतना उजलापन नफासत और तहारत और तजकिया नहीं हो सका कि वो कुरान मजीद के फैज को अपने अंदर समो सके इसलिए फरमाए जकुम तुम्हारा तजगिया करते हैं रसूल पाक वसल्लम और ये एक प्रोसेस है जो क्या तक रहेगा दो चीजें फिर तीसरी स्टेज पर फरमाया हिकमा और जब तुम्हारे दिलो दिमाग का कल्बो बातिन का तज़किया हो जाए प्योरीफाई हो जाए तो तब तुम्हें किताब यानी कुरान का इल्मा करते हैं और फिर हिकमत और सुन्नत का इल्मा करते हैं तो आपने देखा कि कुरान का इल्म और सुन्नत और हिकमत का इल्म बाद में अता किया जा रहा है दिलों के दिमाग के बर्तन में बाद में डाला जा रहा है पहले बर्तनों को धोया जा रहा है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आप नहीं देखते बर्तन में पानी डालना हो दूध डालना हो शरबत डालना हो गिलास में किसी चीज़ में पहले उसको धोते हैं साफ करते हैं गंदे बर्तन में हम दूध और पानी नहीं डालते इसी तरह अगर दिलों का बर्तन गंदा है गलीज है तो वो दूध जो दूध इल्म की एक तमसील होती है तो कुरान का दूध गंदे दिलों के बर्तन में नहीं आता हिदायत रब्बानी नहीं आती तो कुरानी मजीद ने खुद प्रोसेस बयान किया है कि तिलावत आयात ताकि कुरान से ताल्लुक जुड़े फिर कल्ब और बातिन और नफोज का तज किया सेल्फ प्योरिफिकेशन उसके लिए एक रियाजत चाहिए एक स्ट्रगल चाहिए मुजाहदा चाहिए और हम लोग जब मुजाहदा किए बगैर इल्म की तरफ जाते हैं तो हजार हजारहा इमकान बढ़ जाते हैं जिंदगी में गुमराह होने के याद रख लें फकत इल्म में कोई गारंटी नहीं लिखी हुई हिदायत हो याफ्ता होने की खुद कुरानी मजीद ने बयान कर दिया फकत इल्म हासिल करने में हाँ वो कुरानी मजीद का इल्म तफसीरों को पढ़ें अदीस की तशरी को पढ़ें फिका की किताबें पढ़ें या साइंस को पढ़ें या सोशोलॉजी को पढ़ें या आर्ट्स को पढ़ें इल्म जो भी पढ़ें महज इल्म के अंदर हिदायत की गारंटी नहीं है आप उससे हिदायत भी पा सकते हैं शौर के सही शऊर के रास्ते भी खोल सकते हैं आप गुमराह भी हो सकते हैं तो जरूरी यह है कि पहले उस कल्ब और बातिन को और उस दिमाग को दुरुस्त किया जाए उसको स, उसको सफाई सुथराई दी जाए उसको गलाजत से अंदर के मैल को चैल से पाक किया जाए तब खिड़की खुलेगी एक नूर बातिन पैदा होगा उस नूर बातिन जो कल्ब के अंदर आएगा वह नूरे कुरान के साथ जोड़ पैदा करेगा एक रब्त होगी एक मुनासबत बनेगी उनकी मुनासबत और उस मुनासबत की वजह से फिर कुरान की हिदायत के चश्मे जारी हो जाएंगे और अगर यह प्रोसेस नहीं हुआ प्योरिफिकेशन का तजकिया का तो फिर मुझे दिल बेही कसीरा इसी कुरान को पढ़ के बहुत से लोग गुमराह होते हैं और बहुत से हिदायत पाते हैं यह गुमराह होने वालों और हिदायत पाने वालों में यह फर्क होता है कुरानी मजीद ने एक और जगह भी फरमाया फरमायादर इस्लाम फूर जिसका सीना हम इस्लाम के लिए खोल देते हैं जिसका सीना हम इस्लाम के लिए अल्लाह जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है अल्लाह रब जिसके सीने जिसको शरह सदर अता करता है इस्लाम के लिए फोवा नूर मर रब वो अल्लाह की तरफ से नूर पर कायम हो जाता है उसके कल्ब सीने के खुल जाने का मतलब यह है कि अल्लाह रबुलज़त की तरफ से उसको नूर अता होता है वो नूर उसके कल्ब बात को रोशन कर देता है मुनवर कर देता है तारीकियों को दूर कर देता है तो वो कल्ब और बातन की जो अंदर नूर है रोशनी है वो रोशनी मुनासबत पैदा करती है ताल्लुक पैदा करती है कुरानी मफाहिम के अनवार के साथ कुरानी आयात के अनवार के साथ कुरानी मतालब और मारिफ के नूर के साथ कुरानी हिदायत के नूर के साथ जब तक आप वो मुनासबत पैदा ना करें भाई अगर आप टी वी भी चला रहे हो और लाहौर का स्टेशन पाकिस्तान का टी वी चल रहा है आपका इंग्लैंड का बीबीसी आप लगाना चाहते हैं अमेरिका का सीएनएन लगाना चाहते हैं यूरोप का चैनल लगाना चाहते हैं इंडिया लगाना चाहते हैं अरब के सऊदी अरब का आ, कोई भी मिस्र का चैनल लगाना चाहते हैं तो भाई उसके लिए आप रिमोट के जरिए उस उसको घुमाते हैं और उसके नंबर पे फिक्स करते हैं उस टी को भाई ये सिक्स नंबर है इसका इसका सिक्स अपने आप ए वन वर्ल्ड को लगाते हैं ए को आप क्यू टी को लगाते हैं तो यहां से नंबर लगाते हैं सिक्स सिक्स टू लगाएंगे सिक्स एट टू लगाएंगे फिर आप जियो लगाना चाहते हैं सिक्स एट वन में मिसाल दे रहा हूं मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलि डिश प्रोग्रामों के नंबर अलग होते हैं अरब कंट्रीज के तो आप एग्जैक्ट उस नंबर पर फिक्स करते हैं उस चैनल को तब जाके नशरियात आपको मिलती हैं उस टी वी चैनल की तो ये तो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है भाई यूनिवर्सल प्रोसेस है तो आप क्या है उस क्या लिखा हुआ है सिक्स एट टू में और वन वर्ल्ड में सिक्स सिक्स टू में और क्यू टीवी में क्या क्या लिखा हुआ है इस नंबर में क्या जोड़ है दूसरे मुल्क में और नंबर होगा तीसरे में और होगा भाई हर एक मुल्क में वो जो टीवी स्टेशन है वो चैनल है उसे एक नंबर के साथ रिमोट पे फिक्स किया हुआ है जब आप एग्जैक्टली उस नंबर पे फिक्स करेंगे वो चैनल तो नशरियात तो चल रही थी ए आर वाई की पहले नशरियात तो क्यू टीवी की चल रही थी नशरियात आपके जियो की चल रही थी एक्सप्रेस की चल रही थी दुनिया की चल रही थी अरब चैनल्स की चल रही थी सी एन एन की बीबीसी नशरियात चल रही थी जो ही आपने एग्जैक्टली exactly सही नंबर पर उसे फिक्स किया तो मुनास्बत पैदा हो गई उसकी जो वेव्स थी वो फ्रीक्वेंसी उस नंबर पे जो थी उसकी मुनास्बत पैदा हो गई तो आप फ्रीक्वेंसी में मुनासबत पैदा करते हैं वेव लेंथ में मुनास्बत पैदा करते हैं तब जाकर रिसीविंग एंड पे बात आप रिसीव करते हैं रेडियो में भी यही होता था अब तो पुराना वक्त कम सुनते हैं लोग रेडियो देहातों में चलता है वो घुमा के सुई को घुमाते हैं नंबर बने हुए होते हैं मुख्तलिफ स्टेशन के ये लाहौर है ये कराची है ये फलां 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 तो सुई उस नंबर पे आती है तो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी मिलती है तो एक मुनासबत पैदा होती है तब आपको स्टेशन की नशरियात सुनाई देती है भाई जिस तरह दुनिया की इस मैकेनिज्म में और दुनिया की टेक्नोलॉजी में और दुनिया की ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें एक निज़ाम है जो आप हर रोज अपने हाथ से करते हैं ये मिसाल है अल्लाह पाक ने निजाम कायनात में एक जैसी मिसालें हर तरफ पैदा की हैं हमारी हयातियाती जिंदगी हो हमारी मादी दुनिया की जिंदगी हो साइंस टेक्नोलॉजी की जिंदगी हो नबाताती जिंदगी हो जमादाती हो होमानाती हो इंसानी हो रूहानी हो उसूल उस वहदउ शरीक ने एक जैसे वहदत के साथ पैदा किए तो सो इसी तरह कुरान और हदीस का जो नूर है और हिदायत है उसके लेने के लिए एक मुनासबत चाहिए थ की मुनासबत चाहिए एक सिमिलर फ्रीक्वेंसी चाहिए जहां से नूर कुरान का आ रहा है उसी नूर के साथ आपके दिल के नूर का भी एक ताल्लुक हो कल वातन के अंदर भी एक नूर हो जब आपकी वो फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ मिलेगी तो कम्युनिकेशन बहाल हो जाएगी आपको हिदायत मिल जाएगी और अगर कुरान सुनत का नूर हासिल करने रिसीव करने के लिए आपने कोनेक्शन ही नहीं जोड़ा उसके साथ मुनासबत ही पैदा नहीं की अपने कल्ब बातन के अंधेरे और जंग और स्याही की वजह से तो आप रिसीव नहीं कर सकते सो कम्युनिकेशन के असूल के खिलाफ गए आप ये कुरानी मजीद ने बयान किया और फरमाया कि ये जो लोग जिनके दिलों में कजी है वो इश्तबाह वाली मुतशाबहत की पैरवी करते हैं इसलिए कि उससे फितना परवरी पैदा करते हैं इब्तःना मातशाब फत बना मातशा बहिन इब्त अलफितना व इब्त अतावील उससे फितना परवरी करना चाहते हैं और असल मुराद और माना हासिल करने की बजाय मन पसंद के माना लेना चाहते हैं उससे माना यह कुरान कह रहा है इब्तः अलफितना और इब्तः अतावील दो चीजें बयान की या फितना परवरी चाहते हैं उसका जिक्र अभी मैं कुरानी मजीद की और आयतों पर आऊंगा इंशाला हम अगली नशित में करेंगे उसका तस्करा या फितना परवरी चाहते हैं या असल मुराद को छोड़कर मन पसंद का माना मुराद लेना चाहते हैं इस वजह से वह मुतबाब की पैरवी करते हैं अब इसको एग्जैक्टली आयात है हाथ पर एक तो ये लिया जाए और एक ये कि इससे उसूल अखज किया जाए मैथोडोलॉजी की तरफ चला जाए साइंस अखज की जाए वो ये कि वो आयात जिनकी तफसीलात बयान नहीं की गई फ्रू बयान नहीं की गई मजीद तशरी और मजीद ताबीर और मजीद तफसील मतलूब है और वह कुरान मजीद में नहीं वहां आप उसको अपना माइंड अप्लाई करते हैं हदीस नबवी की रोशनी में देखते हैं आसार देखते हैं नहीं मिलते हैं टेक्स्ट और नस तो फिर आप अपने फहम से अल्लाह के दिए हुए फहम से उसको समझने की कोशिश करते हैं जब यह मैटर आ जाता है कि आप समझने की कोशिश करते हैं तो डिपेंड करता है वहां कि फितना परवरी हो रही है और असल मुराद से हटकर अपने मन पसंद का अपने मकतब फिक्र अकीदा और मसलक और फिर का, की तइद में माना निकाला जा रहा है और इशात सरमाबतन वमा या यावी रहू अल्ला उसकी असल मुराद जो है वो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता वर्रास खून फिर इल्म या उन लोगों को नसीब होती है ये ये फहम और असल मुराद तक रसाई जो इल्म में रसूख रखते हैं वर्रास खून और फिर इम का जो माना है ये भी दो तरीके पर लिया गया है पहले वक्फ़ के साथ या इसके बाद वक्फ़ के साथ तो अल्लाह पाक असल मुराद तक उन लोगों को पहुंचाता है जिन्हें रसूख फिर इल्मा किया है जिनके दिलों को मारिफत में कामिल बनाया है इल्म में रसूख और पुख्तगी अता की है और वो कौन है मैंने आपको बताया जिनकी वेवलेंथ और तो जिनकी फ्रीक्वेंसी माला आला के साथ मिल गई है उस आलम में के साथ मिल गई है जहां से अनवार कुरान उतरे हैं अनवार हदीस उतरे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बार गए नबुवत के साथ ऐसी मिली और बार गए उलूत के साथ ऐसी मिली कि कुरान के अनवार करने के काबिल हो गए दिलो दिमाग और नबूवत और अनवारानी बयान नबुवत अनवार हदीस नबुवत अखज करने के उस रोशनी को अख्ज करने के काबिल हो गए ऐसा रसूख उनको मिल गया और फिर आयत को अल्लाह इज्जत ने खत्म किया यहाँ पर वमा यज इल्ला उलुल उलबाब और ये जो नसीहत है सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जिनको दानश रब्बानी अदा की गई है जो अहले दानश रब्बानी उलुल है। उलोलबाबाब हैं तो गोया हर शख्स इसका क्लेमेंट नहीं है सो बात आज की नशिश में फिर यहां खत्म कर रहा हूं और अगली नशे जो है वो हम फिर कुरानी मजीद की उनही आयतों से शुरू करेंगे जिनको आज मैंने दोबारा तिलावत किया उसकी रोशनी में इसको डिस्कस करेंगे कि वी नीड ए मेथडोलॉजी एक साइंस चाहिए मेथोडोलॉजी चाहिए एक असूल चाहिए एक कायदा और जबता चाहिए ग़लत और सही में फ़र्क करने का और कुरान और सुन्नत की सही ताबीर तशरी और गलत ताबीर तशरी में इम्तियाज़ पैदा करने का इसी इम्तियाज़ का फहम न होने की वजह से बहुत से लोग दरा दर कुरान की आयतें पढ़ते हैं गलत इतलाक़ करके कौम को गुमराह कर रहे हैं हदीसें पढ़ते हैं स्याक व शबाक से हटाकर उनका इतलाक गलत जगह पर करके लोगों को गुमराह कर देते हैं लोग मुतासर और मरूब हो जाते हैं सिर्फ़ ये सुनकर कि कुरान से दलील दे रहा है हदीस से दलील दे रहा है और सुनने वाले गरीब को तो न कुरान का तर्जमा आता है ना हदीस का तर्जमा आता है ना कुरान का सही इतलाक मालूम है उसे ना हदीस का सयाको सबाक मालूम है उसमें तो रोप पड़ गया कुरान और हदीस का उसके पास तो नॉलेज नहीं है लिहाजा एक आसान मैथोडोलॉजी में चाहूंगा कि सिलसिला खिताबात में वाज हो जाए ताकि उस मैथोडोलॉजी की रोशनी में काफ़ी हद तक आम मतुलमसलम को जिन्हें थोड़ी सूझबूझ और थोड़ा सा इलम है उन्हें भी आसानी हो जाए इम्तियाज तक पहुँचने की इन शह हम अगली नशस्त में फिर कुरानी इन आयात करीमा की रोशनी में इस बात को आगे बढ़ाएंगे वमा अलैना अलबला